हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की के गेम के कैरेक्टर जिंदा हो जाते हैं और वो उनकी मदद से अपनी सिटी को एक शैतान आदमी से बचाता है। तो मूवी शुरू होती है अर्जेंटीना के एक टाउन से, जहां हम डैनी और उसके पिता अमेडियो को देखते हैं। डैनी अपने पिता से कुछ बात करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा की तरह अपनी फुटबॉल गेम में बिजी है और इससे डैनी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम अमेडियो को उसके रूम के बाहर देखते हैं और उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, वरना वो तुम्हारी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तब अमेडियो उससे बात करने जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें एक अमेजिंग स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन इसमें तुम्हें अपनी इमेजिनेशन भी यूज करनी होगी। उसकी स्टोरी एक छोटे से टाउन पर बेस्ड है, जो देखने में बिल्कुल उनके अपने टाउन जैसा था, और यहाँ की सबसे हैपनिंग जगह थी एक कैफे बार। सिटी के कई लोग अक्सर वहाँ रिलैक्स करने आते थे और इसका मालिक था जॉन नाम का एक लंबा सा आदमी। यहीं हम एक छोटे लड़के जैक को देखते हैं, जो इस बार में वेटर का काम करता है। वैसे तो जैक बहुत शर्मिला है, लेकिन वो अपने टाउन का सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। उसका क्रश है सारा नाम की लड़की, जो खुद भी जैक को बहुत पसंद करती है, लेकिन वो कभी ये बात एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते। सारा जैक की फुटबॉल स्किल से बहुत इम्प्रेस्ड है और वो अक्सर एक दूसरे के साथ इस गेम को एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन फ्लैश नाम का एक लड़का बार में आता है, जिसे अपनी फुटबॉल स्किल्स पर बहुत नाज है और वो हमेशा दूसरे बच्चों को बुली करता रहता है। जैक की तरह फ्लैश भी सारा को इम्प्रेस करना चाहता है और इसीलिए वो जैक को फुटबॉल के गेम के लिए चैलेंज करता है, लेकिन देखता है कि जैक खेलने से डर रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ उसका बहुत मजाक उड़ाता है और सारा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जैक से उसका चैलेंज एक्सेप्ट करने को बोलती है और कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इसे हराना ही होगा। जल्दी ही उनकी गेम शुरू हो जाती है और फ्लैश एक के बाद एक कई गोल कर देता है और वो उसके साथ साथ सारा का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। जैक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो फ्लैश को अपनी फुटबॉल की रियल स्किल्स दिखाता है। फ्लैश को भी कुछ समझ नहीं आता और जल्दी ही जैक उसे चित कर देता है। सारा और दूसरे लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन फ्लैश अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और जॉन उसे उठाकर बार से बाहर फेंक देता है। फ्लैश को इस टाउन पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि काश ये टाउन कभी बना ही ना होता। तभी उससे मिलने एक आदमी वहाँ आता है, जो असल में किसी फुटबॉल क्लब का मैनेजर है, और कहता है कि मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आगे का सीन कुछ साल बाद का है, जहाँ जैक अब बड़ा हो चुका है और अभी भी उसे फुटबॉल में उतना ही इंटरेस्ट है। तभी उससे मिलने सारा वहाँ आती है और बताती है कि उसे एक आर्ट कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, जिसके लिए उसे टाउन से बाहर जाना होगा। जैक ये सुनकर उदास हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे अपने दिल की बात नहीं कह पाता और कहता है कि मुझे भी अपनी फुटबॉल स्किल्स को और इम्प्रूव करना है। सारा को लगता है कि उसे गेम के बजाय किसी काम में ध्यान लगाना चाहिए, और तभी उन्हें बाहर से किसी शोर की आवाज सुनाई देती है। जाकर देखने पर उन्हें वहाँ एक ट्रक नजर आता है और पता चलता है कि इसमें तो वो फुटबॉल मैनेजर है। मैनेजर उन्हें बताता है कि जल्दी ही तुम्हारे टाउन का फ्यूचर चेंज होने वाला है, जिससे यहाँ के लोग ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें तुम्हारी मदद तुम्हारा होम टाउन हीरो करेगा। तभी लोग हिल पर रखी हुई एक कैनन को देखते हैं और उसमें से एंट्री होती है फ्लैश की, जो अब एक फेमस फुटबॉल प्लेयर बन गया है। वो उन्हें बताता है कि इस टाउन से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं और इसे डेवलप करने के लिए मैंने मेयर से इसे खरीद लिया है। वो यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बनाना चाहता है, लेकिन सारा कहती है कि तुम इस तरह इस टाउन को बर्बाद नहीं कर सकते। इस पर फ्लैश कहता है कि मैं अभी तक तुम्हें नहीं भूल पाया हूँ और ना ही फुटबॉल में मिली अपनी हार को। फिर वो अपने लोगों से उस बार को तोड़ने को कहता है और जैक को अपनी फुटबॉल मशीन की याद आती है। जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक क्रेन उस मशीन को उठाकर अपने साथ ले जाती है और जैक कुछ नहीं कर पाता। फ्लैश मैनेजर से कहता है कि मुझे फुटबॉल पर लगे वो डमी प्लेयर्स चाहिए, ताकि उन्हें तोड़कर मैं अपनी हार का बदला ले सकूं। सारा फ्लैश को समझाने उसके प्लेन तक जाती है और कहती है कि तुम्हें सिटी के लोगों पर तरस खाना चाहिए, लेकिन फ्लैश धोखे से उसे अपने साथ ले जाता है। जल्दी ही मशीन उस बार को पूरी तरह तोड़ डालती है और जैक ये देखकर रोने लगता है। उसका आंसू निकलकर नीचे पड़े एक डमी प्लेयर पर पड़ता है और इससे अचानक उसमें जान आ जाती है। वो किसी तरह खुद को उस रोड से अलग करता है और जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी टीम का कैप्टन कैपी हूँ। जैक ये देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है,
लेकिन कैपी उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ और हम अभी भी अपनी गेम को बचा सकते हैं। फिर वो जैक से अपनी बाकी टीम को ढूंढने को कहता है और वो लोग सिटी के गार्बेज डंप की ओर निकल जाते हैं। जैक देखता है कि वहाँ तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है और इसमें वो अपनी टीम को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन कैपी उसे किस्मत पर भरोसा रखने को कहता है। यही पास ही में हम उनकी टीम के दो और प्लेयर्स को देखते हैं, जिन्हें एक रैट खींचकर अपने साथ ले जा रहा है और इनके नाम है लोको और बीटो। सर्फिंग करते हुए वो किसी तरह खुद को उस रैट से छुड़ा लेते हैं और सीधा जाकर जैक से जा टकराते हैं। कैपी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और वो सब एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। फिर उनकी नज़र जैक पर पड़ती है और कैपी उन्हें पूरी बात समझाता है कि कैसे हमें जैक की मदद करनी होगी। तभी रेड टीम का कैप्टन लिसेंड्रो वहाँ आता है और वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लिसेंड्रो भी उनका जवाब देने की सोचता है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ अचानक ढेर सारे रेड्स आ गए हैं। उनसे बचकर भागते हुए वो सब एक डॉल हाउस की ओर जाने लगते हैं, लेकिन बीटो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और रेड उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। कैपी इस बात से उदास हो जाता है, लेकिन लोको उसे समझाता है कि बीटो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और वो रेड उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तभी उन्हें बीटो की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि उसने उन रेड्स पर काबू पा लिया है और वो उनमें से एक को राइड कर रहा है। वो सब रेड लेकर अपने बाकी साथियों को ढूंढने जाते हैं और देखते हैं कि वो सब अभी भी उस गेम टेबल पर ही हैं। यही वो फ्लैश के मैनेजर को भी देखते हैं, जो खुद भी उन डमी प्लेयर्स को पकड़ने आया है, लेकिन जैक एक क्रेन लेकर उन सबको वहाँ से भगा देता है। फिर वो लोग उन बाकी प्लेयर्स को बचाने जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि एक कार्निवल वैन उस टेबल को अपने साथ ले गई है। बीटो रैट लेकर उस वैन का पीछा करता है, लेकिन गर्म साइलेंसर से चिपकने के कारण वो उस वैन से उल्टा लटक जाता है। कैपी एक बार फिर अपने दोस्त को खोने से बहुत दुखी होता है, लेकिन जैक बताता है कि उसके बालों से रोड पर एक लाइन बन रही है और इससे हम उसका पीछा कर सकते हैं। इधर फ्लैश सारा को लेकर अपने मेंशन में आता है और वो देखती है कि वहाँ प्रेस की भीड़ लगी हुई है। अंदर से भी उसका मेंशन बहुत आलीशान है और वो दिखाता है कि कैसे यहाँ की हर चीज खास उसी के लिए बनी हुई है। सारा समझ जाती है कि ये थोड़ा सन की किस्म का आदमी है और उसे इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना होगा। आगे का सीन कार्निवल का है, जहाँ उन डमी प्लेयर्स को एक गेम का पार्ट बना दिया गया है और जैक और उसके साथी भी वहाँ तक आ पहुँचते हैं। यही उन्हें झाड़ियों में बीटो नजर आता है, जो अपने जले हुए बालों से बहुत उदास है और इस तरह बाकी प्लेयर्स के सामने नहीं जाना चाहता, लेकिन कैपी उसे समझाता है कि तुम अभी भी हमारी टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर हो। फिर वो सब लोग अंदर कार्निवल में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इतनी भीड़ में उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है और कैपी सबको अलग अलग होकर ढूंढने को बोलता है। तभी जैक की नज़र उन डमी प्लेयर्स पर पड़ती है और वो उन्हें चुरा कर भागने लगता है और एक स्टॉल के पास जाकर छुप जाता है। यही हम बीटो को देखते हैं, जो अभी भी अपने बालों को लेकर बहुत एम्बैरेस्ड है, और तभी उसकी नज़र सामने रखी कुछ डमी विक्स पर पड़ती है। वो एक के बाद एक कई स्टाइल ट्राई करता है और तभी डमी समझकर एक आदमी उसे स्टेज पर ले जाता है, जहां वो भी बाकी पपेट्स की तरह डांस करने लगता है। उधर कैपी देखता है कि उमार नाम का एक प्लेयर रोलर कोस्टर से चिपका हुआ है और उसका भाई अली भी इसी स्लाइड पर है। वो तीनों किसी तरह एक दूसरे को वहाँ से आजाद कराते हैं और रोलर कोस्टर की मदद से नीचे आने लगते हैं। तभी वो रोलर कोस्टर टूटना शुरू हो जाता है और इससे कार्निवल में भगदड़ मच जाती है। प्लेयर्स इसका फायदा उठाकर उस टेबल के पास जाते हैं, जहाँ ज्यादातर प्लेयर्स रेड टीम से हैं, और तभी वो अपने साथी ऑक्टोपस को देखते हैं। ऑक्टोपस उन्हें बताता है कि रेड टीम ने उसका बहुत मजाक उड़ाया है और ये सुनकर कैपी को गुस्सा आ जाता है। लिसेंड्रो भी वहाँ अपनी टीम की मदद करने आता है और उसमें और कैपी में बहस हो जाती है। तब एक ग्रीन प्लेयर उन्हें समझाता है कि ये वक्त आपस में लड़ने का बिल्कुल नहीं है और उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कैपी और लिसेंड्रो भी उसकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने लोगों की मदद कर पाए, वहाँ फ्लैश का मैनेजर आ जाता है। उन्हें अपने लोगों को छोड़कर जाना पड़ता है और मैनेजर सबको एक बॉक्स में डालकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम जैक को देखते हैं, जो चुराए हुए डमी प्लेयर्स को आजाद कर रहा है, और तभी कैपी उसे बताता है कि लिसेंड्रो के प्लेयर्स मैनेजर के हाथ लग गए हैं। जैक किसी तरह छुपकर उस बॉक्स को निकाल लेता है और वहाँ वो देखता है कि फ्लैश सारा को लेकर अपने मेंशन में गया है। इधर सभी प्लेयर्स एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उनके बीच फुटबॉल की एक गेम शुरू हो जाती है।
तभी कैपी जैक को उदास बैठा हुआ देखता है और जैक उन्हें बताता है कि सारा फ्लैश के कब्जे में है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। कैपी और बाकी प्लेयर्स को भी ये सुनकर बहुत दुख होता है और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पता चलता है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वापस गाड़ी में रख दिया है और ड्राइवर की जगह जैक ने ले ली है ताकि वो फ्लैश के मेंशन में घुस सके और जल्द ही उनका ये प्लान कामयाब हो जाता है। मैनेजर फ्लैश को वो डमी प्लेयर दिखाता है लेकिन फ्लैश कहता है कि इसमें तो बहुत से प्लेयर कम हैं और वो जल्दी से उसे और प्लेयर्स ढूंढने को कहता है। फिर वो सारा को लेकर अपनी एक सीक्रेट लैब में जाता है और जैक भी जाते हुए उन्हें देख लेता है। फ्लैश सारा को दिखाता है कि यहाँ वो अलग अलग एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि अपने लिए और बेहतर प्रोडक्ट बना सके। आगे वो बताता है कि मैं इन प्लेयर्स को तोड़कर अपने शूज के लिए स्पाइक्स बनाना चाहता हूँ ताकि हमेशा के लिए ये मेरे कदमों के नीचे रहें, और ये कहकर वो उन्हें एक मशीन में डाल देता है। इधर बाकी प्लेयर्स उस लैब के गेट को तोड़ डालते हैं और जैक फ्लैश पर अटैक कर देता है लेकिन देखता है कि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फ्लैश उसे धकेल कर एक मशीन पर गिरा देता है और इससे वहाँ सारे एनिमल्स आजाद हो जाते हैं। उधर बाकी प्लेयर्स अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ बर्ड्स के अटैक के कारण कैपी और लिजांड्रो नीचे मशीन में जा गिरते हैं। मशीन उन्हें कुचलने की कोशिश करती है लेकिन उनके दोस्त एक बर्ड की मदद से उन्हें बचा लेते हैं। जैक मौका देखकर फ्लैश को एक किक मारता है और वो और सारा लैब से बाहर निकल जाते हैं। तभी एक प्लेयर से निकला नट उस मशीन में जा गिरता है जिससे बनी चिंगारी उस लैब को नष्ट कर देती है और इस धमाके से सारे प्लेयर्स बाहर आ गिरते हैं। फ्लैश भी प्रेस से झूठ बोलता है और कहता है कि ये सब तो एक मामूली एक्सीडेंट है। इधर सारा जैक पर बहुत नाराज होती है और पूछती है कि आखिर अपनी जान मुसीबत में डालने की क्या जरूरत थी और तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर इम्प्रेस हो जाऊंगी। ये सुनकर जैक को एक आइडिया आता है और वो फ्लैश को फुटबॉल की एक और गेम के लिए चैलेंज करता है। फ्लैश भी उसकी बात मान जाता है लेकिन कहता है कि अब हमें बच्चों वाले गेम नहीं खेलने चाहिए और हमारा मुकाबला एक असली फुटबॉल गेम का होगा। जैक ये सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने रियल फुटबॉल कभी नहीं खेला लेकिन उसे फ्लैश की ये शर्त माननी पड़ती है। तब सारा कहती है कि बिना बैट के कोई गेम नहीं हो सकती और अगर फ्लैश ये गेम हार गया तो उसे हमारी सिटी को खाली करना होगा। फ्लैश को इससे कोई एतराज नहीं होता और उसके लोग टाउन में मटेरियल लाने लगते हैं ताकि गेम के लिए वहाँ एक स्टेडियम बना सकें। खेलने के लिए फ्लैश दुनिया की बेस्ट टीम को लेकर आता है और उधर जैक और सारा भी टाउन में लोगों से मदद मांगने जाते हैं लेकिन कोई उनकी टीम में आने को तैयार नहीं होता। तब जैक अपने लिए एक यूनिक टीम बनाता है जिसमें बार के कुछ लोगों के साथ साथ एक पुलिस वाला, एक चोर, एक प्रीस्ट और यहाँ तक कि एक होमलेस पर्सन भी शामिल है। वो सब लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं लेकिन जैक देखता है कि अभी भी उन्हें एक और प्लेयर की जरूरत है। तब एक लड़का उन्हें अपनी दादी को इंक्लूड करने को कहता है और जैक दादी से रिक्वेस्ट करता है कि मैच से पहले आप शेविंग बिल्कुल मत करना। उधर मैनेजर स्टेडियम को कंप्लीट करने में लग जाता है और जैक डमी प्लेयर्स के साथ अपनी स्ट्रेटर्जी पे काम करता है। एक टाइम पर उसे लगता है कि शायद उन लोगों ने गलत पंगा ले लिया है क्योंकि वो फ्लैश की टीम के सामने नहीं टिक पाएंगे लेकिन कैपी उसे खुद पर भरोसा रखने को बोलता है। तभी उसे सारा की रोने की आवाज आती है और वो उससे इसका कारण पूछने जाता है। सारा बताती है कि काश उसने वो टाउन वाली शर्त ना रखी होती और अब उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद होने वाला है। तब जैक उसे अपनी टीम पर भरोसा रखने को कहता है और बताता है कि हम लोग ये बैट जरूर जीतेंगे। फिर जल्दी ही वो स्टेडियम बनकर तैयार हो जाता है जहाँ आसपास के शहरों से हजारों लोग आए हैं और जैक भी कैपी के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मैनेजर इस मैच का टेलीकास्ट पूरी दुनिया में करना चाहता है और बताता है कि स्पॉन्सर्स हमें इसके लिए बहुत पैसा देने वाले हैं। रेफरी दोनों टीमों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और ऐसा लगता है जैसे लोगों ने अपना विनर पहले ही चुन लिया है। डमी प्लेयर्स भी वहाँ उन्हें सपोर्ट करने आते हैं और प्रेयर करते हैं कि जीत आखिर में जैक की टीम की हो लेकिन सारा अंदर से बहुत घबराई हुई होती है। फिर रेफरी के इशारा करते ही मैच शुरू हो जाता है और लोग देखते हैं कि जैक की टीम को खेल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फ्लैश की टीम इसे बहुत इंजॉय करती है और जल्दी ही वो अपना पहला गोल कर लेते हैं। जैक अपने प्लेयर से हिम्मत रखने को कहता है लेकिन वो भला फ्लैश की तेजी का मुकाबला कैसे कर सकते थे। सारा और डमी प्लेयर्स भी ये देखकर परेशान हो जाते हैं क्योंकि स्कोर ऑलरेडी 2-0 हो चुका है और जैक को भी लगता है कि गेम उनके हाथ से निकल रही है।
तब मैनेजर फील्ड पर फ्लैश को कॉल करता है और उसे बताता है कि तुम्हें इस गेम को थोड़ा एक्साइटिंग बनाना होगा, वरना लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और स्पॉन्सर हमें इसका कोई पैसा नहीं देंगे। ये सुनकर फ्लैश की टीम उनसे मजे लेने लगती है और इस चक्कर में जैक की टीम को बहुत तकलीफ होती है। कैपी भी समझ जाता है कि अब उन्हें ही कुछ करना होगा और वो अपने प्लेयर्स को लेकर फील्ड में आ जाता है। छुपते हुए वो जैक की टीम को सपोर्ट करने लगते हैं और गोल रोकने के साथ साथ गोल करने में भी उनकी बहुत मदद करते हैं। सारा ये देखकर खुशी से पागल हो जाती है और फ्लैश को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी भागते हुए जैक अचानक नीचे गिर जाता है, जहां उसकी नजर कैपी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये सब डमी प्लेयर्स कर रहे हैं। वो उसे चीटिंग करने से मना कर देता है और कहता है कि उसकी टीम यहां अपनी मेहनत से जीतने आई है। कैपी भी अपनी टीम को फील्ड से बाहर चलने को बोलता है और फिर जल्दी ही जैक की टीम अपना दूसरा गोल कर देती है। ये देखकर सब लोग खुशी से चीखने लगते हैं और जैक की टीम का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मैच खत्म होने में बस 2 ही मिनट का वक्त बचा है और यहाँ जैक बॉल को एक बार फिर नेट की ओर भेजता है, लेकिन पोल से टकराकर वो ऊपर की ओर उछल जाती है। जैक उसे एक हेडर लगाना चाहता है और फ्लैश उसे रोकने के लिए उसके पैर पर हिट करता है। सारा और डमी प्लेयर्स को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और रेफरी भी उन्हें पेनल्टी शॉट देने से मना कर देता है। तभी जैक देखता है कि फ्लैश बॉल को लेकर सीधा गोल की ओर जा रहा है और वो भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे जाने लगता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बॉल लुढ़कती हुई सीधा गोल पोस्ट में चली जाती है और रेफरी फ्लैश को विनर अनाउंस कर देता है। जैक के साथ साथ सारा और कैपी का भी दिल टूट जाता है, लेकिन लोको कैपी को बताता है कि तुम्हें इस सन्नाटे को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इस रिजल्ट से बिल्कुल खुश नहीं है। उधर फ्लैश अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है और सारा भागती हुई सीधा जैक के पास आती है और उसे बताती है कि तुमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है। फिर वो फाइनली एक दूसरे को प्रपोज करते हैं और दूसरी टीम का प्लेयर भी जैक को अप्रिशिएट करने आता है। फ्लैश इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता और कहता है कि पब्लिक शायद पागल हो गई है। तब मैनेजर उसे बताता है कि पब्लिक ने अपना फैसला कर लिया है और तुम्हारे स्टार बनने के दिन भी अब खत्म हो चुके हैं। ये कहकर वो सीधा जैक की ओर चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे हार कर भी जैक की टीम ने काफी दिल जीत लिए हैं। इसी के साथ अमेडियो की स्टोरी भी खत्म हो जाती है और एलेक्स उससे उस टाउन के बारे में पूछता है। अमेडियो बताता है कि टाउन के लोगों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया और उसके पास ही अपना एक नया टाउन बना लिया। जैक और सारा की आपस में शादी हो गई और भगवान ने उन्हें एक सुंदर सा बेटा दे दिया। एलेक्स को ये एक मनगढ़ंत कहानी लगती है और तब अमेडियो कहता है कि ये तो तुम्हारे विश्वास पर डिपेंड करता है। उस रात एलेक्स को बिल्कुल नींद नहीं आती और तभी वो देखता है कि शेड से किसी की आवाजें आ रही हैं। वो चुपचाप वहाँ चेक करने जाता है और देखता है कि उसके डैड वहाँ उन डमी प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं। वो समझ जाता है कि स्टोरी वाला जैक असल में उसके पिता ही थे और ये कहानी भी एकदम सच्ची थी। तभी उन प्लेयर्स की नज़र एलेक्स पर पड़ती है और उसके डैड उसे अपने पास आने को कहते हैं। वो बताते हैं कि अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी इनका ध्यान रखना होगा और ये कहकर वो उनकी गेम एंजॉय करने लगते हैं। आखिर में हम टाउन में बने एक स्टैचू को देखते हैं जो जैक और उसकी विनिंग टीम का है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।